मेरे साथ है कर्नल दानवीर सिंह और डॉक्टर मोहन गुरुस्वामी। एक सवाल आप दोनों से बहुत ही मुख्तसर सा जवाब चाहूंगा। कर्नल दानवीर सिंह, ये कह देना कि वो बिल भेज दिया जाएगा सेना को और पेमेंट कर दी जाएगी सेना को, अपने आप में क्या जस्टिफाई करता है कि इस तरह के प्राइवेट निजी आयोजन के लिए सेना का इस्तेमाल किया जाए? देखिए, सेना कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कि उसने काम किया, आपने उसने श्रम उसका यूज किया, आपने उसके इक्विपमेंट यूज किया और आपने उसको बाद में बिल दे दिया। ये एक बहुत ही डिसरेस्पेक्टफुल एक्ट हुआ है जिसमें आर्मी को यूज किया गया है प्राइवेट फंक्शन के लिए और उसको आप इक्वेट कर रहे हैं कुंभ के मेले के साथ में। कुंभ का मेला एक डिफरेंट इशू है, कल्चरल रिलीजियस इवेंट है, नेशनल लेवल का इवेंट है, उसका एक अलग हिसाब किताब है, लेकिन सरकार करती है। ये प्राइवेट ऑर्गेनाइज प्रोग्राम है, इसके अंदर आर्मी का यूज करना बिल्कुल गलत है। और अगर आप इसमें जो पॉन्टून ब्रिज का अगर आप विजुअल्स देखेंगे तो बिल्कुल ब्रांड न्यू पॉन्टून ब्रिज है, ऑपरेशनल सेट है, ये देखने से लग रहा है। ये लाखों करोड़ों चीजों रुपयों से बनते हैं, ये चीजें अक्वायर होती हैं, इनको स्टोरेज किया जाता है और लड़ाई के दौरान इनका इस्तेमाल होता है। इनके ऊपर से टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, रसद और दुनिया भर की उस प्रकार की वॉर फाइटिंग चीजें इनके ऊपर गुजरती हैं। अब इनके ऊपर आज यमुना के ऊपर अब लोग चलेंगे और आर्ट ऑफ लिविंग का ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही डिसरेस्पेक्टफुल है एज फार एज इक्विपमेंट एंड ट्रूप लेबर उसके लिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका। मोहन गुरुस्वामी।